बच्चों। द क्वेश्चन सेज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ए ट्रांक्विलाइजर्स बी एंटासिड्स सी एनाल्गेसिक्स। तो चलिए देखते हैं। आंसर करने के लिए हमें एक की कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। द की कॉन्सेप्ट इज डेफिनेशन ऑफ द मेडिकेशंस। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स, सो इन ऑर्डर टू नो देम वी हैव टू नो द डेफिनेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, हमें पहले टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस क्या क्या, मतलब क्या डेफिनेशन है, मतलब किसके लिए यूज होता है, पर्पस हमें जानना है। ठीक है, तो पहला है ट्रांक्विलाइजर। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मेडिकेशन, इट इज अ मेडिकेशन विच रिड्यूस एंजाइटी, टेंशन, इंसोम्निया एंड प्री ऑपरेटिव स्ट्रेस। मतलब प्री ऑपरेटिव स्ट्रेस, तो बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर्स एक्ट ऑन द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल पार्ट को सही करने में मदद करता है। बेसिकली एंजाइटी टेंशन ये सब साइकोलॉजिकल पार्ट्स है। सो टू इम्प्रूव द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, मतलब वी टू इम्प्रूव आवर साइकोलॉजिकल हेल्थ, बेसिकली ये ट्रैंक्विलाइजर्स यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दे रही हूँ एक, जैसे कि बेंजोडायजेपिन्स, उसमें से एक एग्जाम्पल है वैलियम। अब चलिए देखते हैं एंटासिड्स क्या है, चलिए देखते हैं एंटासिड्स क्या है। ठीक है, एंटासिड्स एक टाइप ऑफ मेडिकेशन है विच reduces or you can say neutralizes any kind of acid formed in the body. So first is like kind of acid, means it can be stomach acid formed or sometimes heartburn can also be given. Heartburn bhi ho sakta utta. Okay, so to remove or to reduce heartburn, stomach acid, or we'll say indigestion, these are used. So we can give an example. Examples can be Tums. Okay. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनाल्गेसिक्स के बारे में। एनाल्गेसिक्स क्या है? दे आर द टाइप ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड टू रिलीव पेन, मतलब कि कहीं पे भी बॉडी में पेन हो तो दे कैन रिलीव द पेन, रिड्यूस द पेन, मींस बेसिकली एक्ट्स एज अ पेन किलर। ठीक है, लाइक इन केस ऑफ पेन कंडीशन लाइक हेड एक हो सकता है, मसल एक हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, तो इन दैट केस दे विल एक्ट एज क्या, पेन किलर। एग्जाम्पल एस्पिरिन। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जाम्पल। सो डेफिनेशन क्लियर है, होप यू हैव अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।